हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पूर्व विश्वा और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रिपोर्ट। और आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि दो दिनों से आगे स्टॉक क्यों फॉल कर रहा है। और अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो टारगेट क्या हो सकता है और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस आप स्टॉक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस या फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है। पहली चीज होती है सेल ग्रोथ, दूसरी होती है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो सेल ग्रोथ होता है उसे हम टॉप लाइन ग्रोथ भी बोलते हैं और पैट को हम बोलते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ। तो चलिए हम सबसे पहले सेल ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि सेल ग्रोथ कैसा है टाटा मोटर्स का। तो देखिए, यहाँ पे मार्च 2019 में आपका 3 लाख करोड़ के आसपास का सेल हुआ है, उसके बाद 2 लाख 60 हजार के आसपास का सेल हुआ है, फिर मार्च 2021 में आपका 2 लाख 50 हजार के आसपास सेल हुआ है। तो आप देखेंगे मार्च 2019 से लेकर मार्च 2021 तक कंटिन्यूअस एक गिरावट देखने को मिली है, जो अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो चलिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे मार्च 2019 में आपके पास ये पॉजिटिव में चल रहा था 2020 करोड़ के आसपास, और जैसे ही मार्च 2020 में ये देखिए यहाँ -7,289 करोड़ के आसपास लॉस में चला गया। फिर अभी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है अराउंड 5,000 करोड़ का, और इस समय जो डेटा हमारे सामने वो है -2,395 करोड़ का। तो ये भी डेटा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इससे पिछले जो डेटा एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर किया जाए तो ये 5,000 करोड़ के आसपास का अभी इसमें ग्रोथ दिखने को मिला है। तो इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व कितना है इनके पास, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, हमारे पास डेटा सामने दिया गया है। तो यहाँ रिजर्व देखिए, आप मार्च 2019 में 21,483 के आसपास था जो कि करोड़ में है, और जो कि फिर दूसरी मार्च 2020 में देखिए 16,800 करोड़ के आसपास है, मार्च 2021 में 18,290 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी देखिए कंटिन्यूस गिरावट चल रही है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा डेटा आता है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है एक्चुअली में, इसकी होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और जो करंट एसेट होता है वो आप ऐसे समझिए कि आपको जो पैसा या जो भी एसेट्स है वो आपको एक साल के अंदर अगर मिल रहा है तो वो हो गया करंट एसेट्स, और जो पैसा आपको एक साल के अंदर आपको देना है वो हो गया करंट लायबिलिटीज। तो चलिए हम चेक करते हैं करंट एसेट्स क्या है कंपनी के, करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे टोटल जो करंट लायबिलिटीज है वो है 26,251 करोड़ रुपए, और इनके हम टोटल एसेट्स को अगर देखें तो टोटल करंट एसेट इनका देख सकते हैं 15,854 करोड़ रुपए। तो देखिए कितना ज़्यादा गैप है, ये अराउंड 26 करोड़ के आसपास है लाइबिलिटीज़, और करंट एसेट आपके आपका देखिए 15,854 करोड़ के आसपास। मतलब हमको पैसा देना है 26 रुपये और पैसा जो आना है मेरे पास वो है 15 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये 10 रुपये का गैप जो आ रहा है बहुत बड़ा गैप है, इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। और इसको अच्छा तब माना जाता है जब ये 2 टाइम्स होता है, मतलब अगर यहाँ पे 26,200 करोड़ के आसपास टोटल लाइबिलिटीज हैं तो टोटल एसेट हमारे पास जो होना चाहिए, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स होना चाहिए मिनिमम हमारे पास 52,000 करोड़ का, तभी कंपनी की जो फाइनेंशियल को अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, 18 मई को टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए थे जो कि बताया गया था कि 7,585 करोड़ के आसपास का इनके पास लॉस आया है रेवेन्यू का, और जो इनका लॉस आया है मेनली वो जगुआर और लैंड रोवर के सेगमेंट से आया हुआ है। रेवेन्यू देखिए इनका बढ़ा हुआ है 17% के आसपास क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, और इस समय जो इनका रेवेन्यू है वो 88,628 करोड़ के आसपास। अगर हम टाटा मोटर्स को कंपेयर करते हैं आइसर मोटर्स या फिर अशोक लेलैंड के साथ तो इनका भी वही का सेम ही चल रहा है। और टाटा मोटर्स में ये भी है कि जो इनका जो लैंड रोवर और जगुआर का जो सेगमेंट है वो मैक्सिमम जो इनका सेल होता है अराउंड 10-15% वो चाइना से होता है। चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप कोरोना देख ही रहे हैं, उसकी वजह से इनका जो है बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट जो है प्रभावित हुआ है। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि इनका टारगेट क्या हो सकता है टाटा मोटर्स का और रेजिस्टेंस कहाँ पे इसका फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका 18 मई का डेट जिस दिन रिजल्ट आया था, शाम को रिजल्ट आया था, इसलिए एक दिन पहले से देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। यहाँ 311 पे था, उसके बाद सीधा 335 चला गया था, फिर रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे बाद ही गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे ही क्लोज बंद हुआ, और फिर आज देखिए आज भी ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन में अगर यहाँ ब्रेक करता है तो ये
288 के आसपास आने की संभावना है। 288 आता है तो ये बेस्ट प्राइस होगा, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्योंकि आने वाले क्वार्टर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको टाटा मोटर्स के इन सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ में आ गया होगा, और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।